मोदी की आंधी में महागठबंधन के तो कन्ने टाइट हो गए। ऐसे में राजनीति के मजे लेने वाले अब पूछ रहे हैं कि बुआ बबुआ अब एक साथ रह के करेंगे भी क्या? क्या महागठबंधन फ्लॉप होने के बाद अपने अपने सांसदों को लेकर दोनों अपने अपने घर यानी कि अपनी अपनी पार्टी में चले जाएंगे? आखिर महागठबंधन फ्लॉप होने के बाद अब बुआ बबुआ के सामने ऑप्शन भी क्या है? नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत मिल ही चुका है, अब ऐसे में महागठबंधन की कोई बिसात ही बाकी नहीं बची। वैसे भी महागठबंधन इसी उम्मीद पर बनाया गया था कि अगर केंद्र में सरकार बनाने में अड़चन आई तो अपने सांसदों को लेकर खूब मजेदार खेल खेला जाएगा, लेकिन सारे सपने धरे के धरे रह गए। मोदी नाम की सुनामी इतनी तेज आई कि बुआ बबुआ के साथ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि उल्टा बुआ बबुआ को थोड़ा बहुत नुकसान ही करके चली गईं। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का सामना करने के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ मायावती और अखिलेश यादव साथ आए थे। 25 साल पुरानी दुश्मनी भुलाई, एक साथ कई सभाएं की, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। न जाति का जोर चला, न ही किसी और की तरह की कोशिश काम आई। बीजेपी के काम आया तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम। असल में यूपी की राजनीति में जातीय गणित पर पूरा जोर रहता है और इसी गणित की आस पर एसपी बीएसपी गठबंधन बना था, लेकिन मोदी के नाम ने इस बार जातियों के सारे बंधन मिटा दिए और हर जगह मतदान बस मोदी के नाम पर हुआ। यादव हो, जाटव हो, ब्राह्मण हो या फिर दलित, सभी ने एक साथ कमल के फूल का बटन दबाया। अब जबकि यूपी में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है, तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बुआ बबुआ के लिए आगे क्या सोचते हैं आप? क्या इन्हें एक साथ अपना महागठबंधन लेकर चलना चाहिए या फिर अब अपनी अपनी राहें अलग करके अपने हिसाब से राजनीति करनी चाहिए? पूर्वांचल की ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।